गौशालाएं तो आज तक ना जाने कितनी बनी होंगी, लेकिन पानीपत में नंदीशाला का निर्माण पहली बार किया गया है, जहां पर शहर की सड़कों पर घूमते बेसहारा गोवंशों को रखा जाएगा। इस अवसर पर श्री राधा कृष्ण गौशाला सेवा समिति सेवा ट्रस्ट द्वारा देश के जवानों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, सुप्रसिद्ध समाज सेवी व वार्ड नंबर 26 से पार्षद विजय जैन व ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा के बड़े भाई हरपाल ढांडा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नंदीशाला के निर्माण के शुभ कार्य में ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने अपनी नेक कमाई में से 21 लाख रुपए का सहयोग संस्था को दिया और आने वाले समय में भी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। सुरभि शर्मा ने बताया कि लोग मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और नंदी की सेवा करते हैं, तो उन्होंने इसी बात के मद्देनजर जहां एक और अपने घर में 500 वर्ष पुराने मंदिर के अंदर स्थापित प्रभु श्री राम, माता जानकी व अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को गौशाला की बगल में ही मंदिर बना प्रतिष्ठित किया, वहीं दूसरी ओर मंदिर के बगल में ही नंदीशाला बना लोगों के लिए सौभाग्य के द्वार खोल दिए हैं, ताकि मंदिर के अंदर शिवलिंग में नंदी की पूजा करने वाले साक्षात जीते जागते नंदियों की सेवा व पूजन कर अपने जीवन को सफल बनाने के साथ साथ उन्हें सड़कों पर बेसहारा घूमने से बचा सकें। पूर्व में पानीपत डीएसपी पद पर कार्यरत रहे सतीश वत्स ने इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि वो लगातार 3 साल पानीपत में डीएसपी के पद पर रहे, जिसके कारण पानीपत वासियों से उन्हें विशेष लगाव है और उन्हें जब भी पानीपत वासियों से कोई न्योता मिलता है तो वो उस कार्यक्रम में पहुंचने का हर संभव प्रयास करते हैं। पानीपत का तो प्रेम है ही, यहाँ पर हमने 3 साल तक मैंने सेवा की है और बहुत सारे मेरी जानकारियाँ हैं और लोगों के साथ रहे हैं 3 साल तक, तो वो समाज सेवी व उद्योगपति विजय जैन ने संस्था के प्रधान राजीव जैन का धन्यवाद करते हुए कहा कि आदिनाथ नंदीशाला में भले ही पूरे शहर के जितने भी नंदी हैं सभी को ले आए, यहाँ पर जगह कम पड़ने वाली नहीं है और उन नंदियों की सेवा में जितना भी खर्च आएगा वे सब मिलकर वहन करेंगे। वहीं रक्तदान शिविर में जहां एक ओर सैकड़ों युवाओं ने देश के नौजवान सैनिकों के लिए रक्तदान किया, रक्तदान शिविर में जहां पुरुष बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं वहां महिलाएं भी पीछे नहीं है। तो आइए हमारे साथ एक बिटिया, क्या कहेंगे आप जो ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं, पहले भी आपने कभी किया? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम किया। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और सबको ही करना चाहिए। श्री राधा कृष्ण गौशाला समिति व आदिनाथ नंदीशाला के प्रधान व समाज सेवी राजीव जैन का उत्साह वर्धन करते हुए ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने कहा कि गौशालाओं के साथ साथ नंदीशाला बनाना भी हरियाणा सरकार का सपना रहा है, जिसे आज श्री राधा कृष्ण गौशाला समिति के सदस्यों ने श्री राधा कृष्ण गौशाला के साथ साथ नंदीशाला का निर्माण कार्य कर पूर्ण किया है, जिसमें समाज का सहयोग सराहनीय है। नंदीशाला के शुभ अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने हरियाणा में जगह जगह गौशाला बनाने के लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार का एक ही सपना है कि सड़क पर कोई भी गोवंश, चाहे वह गाय हो या फिर नंदी, नहीं रहना चाहिए। इन सब के रहने के लिए गौशाला और नंदीशालाओं का निर्माण बड़ी तेजी से किया जा रहा है और आने वाले समय में गो भक्तों व आमजन के सहयोग से ही यह संभव भी हो पाएगा। संस्था के प्रधान राजीव जैन ने वहां पर मौजूद गो सेवा आयोग के चेयरमैन व ग्रामीण विधायक का धन्यवाद करते हुए कहा कि जब उन्होंने गौशाला की शुरुआत की थी तो उनके पास 30 गाय थी, लेकिन आज नंदीशाला को मिलाकर उनके पास लगभग 1000 गोवंश है और हरियाणा सरकार के सहयोग से उनकी संस्था इसे और भी आगे बढ़ाएगी। माता का आशीर्वाद है हमारे विधायक श्री महिपाल जी का, मेयर मैडम ने पूरा आशीर्वाद दिया, सरपंच जी से बात हुई, चेयरमैन साहब से, उन्हें कहा तुम आगे बढ़ते चलो हम तुम्हारे साथ हैं, और कह रहे हैं कोई भी फंक्शन होगा हम तुम्हारे साथ हैं, और देखो हमसे पहले ये मौजूद हैं सारी, इनका
पूरा सहयोग है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब आपने शुरुआत की थी तब आप कितनी गौ माता की सेवा करते थे और आज कितनी गौ माता की सेवा? हमारे पास जब आज से 1.5 साल पहले 30 गायें थी, अब हमारे पास 500 हैं। अब ये नंदीशाला खुलने से 1000 की तादाद हो जाएगी। जब ग्रामीण विधायक से यह पूछा गया कि गौशाला के लिए उनका कितना सहयोग रहेगा तो उन्होंने कहा कि पूरी सरकार गौ सेवकों के साथ है।